महाराष्ट्र के अकोला जिले में पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है बुरवा। आदिवासियों के इस गांव में बमुश्किल 60 घर हैं, लेकिन आबादी 1000 से भी ज्यादा है। कुछ साल पहले तक इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अकाल था, लेकिन कुछ ही साल में यहाँ की तस्वीर बदल गई, और इस तस्वीर को बदलने का श्रेय जाता है गांव की ही रहने वाली एक आदिवासी लड़की नासरी चव्हाण को। इस भील की बेटी ने वो कर दिखाया कि आज इसके चर्चे लोगों की जुबान पर छाए हुए हैं। नासरी का नाम जिले के आला अधिकारियों के लिए भी एक मिसाल बन चुका है। नासरी ने हालात से समझौता करने के बजाय हालात से लड़ाई की और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी सवारने में अहम भूमिका निभाई। ये नासरी की मेहनत का ही नतीजा है कि आज इस गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं घर बैठे पैसा कमाती हैं, किसान कम लागत में अच्छी पैदावार ले रहे हैं, जबकि कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। पहले यहाँ की तस्वीर एकदम विपरीत थी। इस तस्वीर को बदलने में नासरी ने बड़ी भूमिका निभाई है। बुरवा गांव की रहने वाली ये आदिवासी लड़की इस गांव के लिए वरदान साबित हुई। नासरी को शुरू से ही पढ़ाई का शौक था, लेकिन गांव में स्कूल न होने के कारण नासरी ने 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के एक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई की। सर्दी गर्मी और बरसात के दिनों में नासरी 5 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाती। 8वीं के बाद जिस स्कूल में नासरी ने 9वीं कक्षा में दाखिला लिया वो तो और भी दूर था, लिहाजा नासरी ने साइकिल से स्कूल आना जाना शुरू किया। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार नासरी ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर डाली। उस वक्त नासरी अपने गांव में पहली ऐसी लड़की थी जो 12वीं तक पढ़ी थी। नासरी ने अपनी पढ़ाई का फायदा उठाते हुए गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। जो बच्चे दिन भर भटकते फिरते थे, नासरी उन्हें एक जगह इकट्ठा करती और फिर उन्हें पढ़ाती। इस तरह इस लड़की ने पूरे गांव में ज्ञान की अलख जगा दी। ये नासरी के प्रयासों का नतीजा है कि आज इस गांव में 90% बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव का जो सरकारी स्कूल कभी वीरान रहता था, आज वो नौ निहालों की आवाज से गुलजार है। मैं पढ़ने जाती तो मुझे 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और उसमें कोई रास्ता भी नहीं था, और मतलब बारिश आ जाए तो फिर नदी बीच में आ जाए तो फिर वो जब पानी जब तक कम ना हो तब तक मुझे उसी उधर ही बैठना पड़ता था, और उसके बाद में फिर वहाँ पे भी 8वीं तक ही था। फिर उससे फिर मैंने जो यहाँ से 12 किलोमीटर का है फिर वहाँ पे एडमिशन किया, और फिर उसके बाद में मैं वहाँ पढ़ाई की। नासरी के बुलंद हौसलों की कहानी गांव से निकलकर जिले के आला अधिकारियों तक पहुँची। इसका असर ये हुआ कि जिस गांव के बारे में कोई जानता तक नहीं था, अधिकारी उस गांव का रुख करने लगे। सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के लोगों तक पहुंचने लगा, और लोग भी नासरी पर गर्व करने लगे। गांव के लोग समझ चुके थे कि नासरी एक आम लड़की होते हुए भी खास शख्सियत बन चुकी है। अकोला से करीब 80 किलोमीटर दूर बसा बुरवा गांव कई मामलों में पिछड़ा हुआ था। गांव में गरीबी की वजह से बाल मजदूरी थी, कुपोषण था और अज्ञानता तो खूब थी, लेकिन जिन सामाजिक बुराइयों के बारे में नासरी ने किताबों में पढ़ा था उन्हें दूर करने में नासरी ने काफी मशक्कत की। नासरी
घर घर जाकर लोगों को समझाती, उन्हें बाल विवाह और बाल मजदूरी जैसी सामाजिक कुरीतियों के नुकसान के बारे में बताती और उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझाती। धीरे धीरे नासरी की सीख का असर होने लगा और करीब 3 साल में ही यहाँ की स्थिति में सुधार आने लगा। चारों तरफ पहाड़ और जंगल होने की वजह से बुरवा गांव में खेती का रकबा शुरू से ही काफी कम था। यही वजह है कि यहाँ या तो कम जमीन वाले किसान हैं या फिर बिना जमीन वाले वो लोग जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। नासरी ने भी गरीबी को काफी नजदीक से देखा है। आज भी ये पूरा गांव झोपड़ियों में बसता है। ऐसे में नासरी का अगला मकसद इस गांव को आर्थिक तौर पर मजबूत करना था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। नासरी हर रोज शहर जाती, आला अधिकारियों से मुलाकात करती, उन्हें अपने गांव की परिस्थिति के बारे में बतलाती और उनसे इस समस्या के समाधान के बारे में पूछती। इसी बीच नासरी को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी मिली। नासरी के मन में विचार आया कि अगर इसके गांव में भी महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाया तो इससे न सिर्फ उनके घरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि समाज में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा। बस फिर क्या था, नासरी के मन में समूह बनाने की धुन सवार हो गई। ये घर घर जाती और महिलाओं को समूह से जुड़ने वाले फायदों के बारे में समझाती। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव की 10 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए तैयार हो गईं। इसी समूह की कोषाध्यक्ष बशीरा बी ने क्या क्या नहीं देखा। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, कच्ची उम्र में शादी हो गई, शादी के कुछ साल के बाद ही पति की भी मौत हो गई। शक्ति महिला बचत गट के नाम से नासरी ने 10 महिलाओं के साथ मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इस समूह में नासरी चव्हाण अध्यक्ष, जानूबाई सचिव और बशीरा बी कोषाध्यक्ष के तौर पर जुड़ गए। शबाना बी, संतबाई, नबीबाई, रानूबाई, शीलूबाई, मयूरोन बी और आकांक्षा समूह में सदस्य के तौर पर शामिल हो गईं। समूह में सभी महिलाओं ने आपस में बातचीत कर तय किया कि वो हर महीने 100 रुपए समूह में जमा कराएंगी, यानी महीने के 1,000 रुपए और साल के 12,000 रुपए। 1 साल तक लगातार समूह की महिलाओं ने रुपया इकट्ठा किया। इसी दौरान नासरी को जानकारी मिली कि गांवों में सरकार मुर्गी पालन के लिए अनुदान दे रही है। इस बारे में नासरी ने समूह की बाकी महिलाओं से विचार विमर्श भी किया और आपसी सहमति से मुर्गी पालन शुरू किया। मुर्गी पालन के लिए महिलाओं ने मिलकर एक खाली पड़ी जमीन पर मिट्टी की दीवार और छप्पर का एक झोपड़ा तैयार किया। सभी महिलाओं ने इसमें श्रमदान किया। जो मुर्गी पालन है वो अगर शुरुआत कर दिया तो खेती के साथ साथ ये मुर्गी पालन से जो आमदनी अपने को मिल रही है उससे 2 पैसे ज्यादा घर के इसमें बढ़ रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो किसान का जो है उत्पन्न जो है वो बढ़ रहा है। 5 रुपए प्रति चूजे के हिसाब से 20 मुर्गे और 500 देसी मुर्गियां खरीदी गईं। करीब 5,000 रुपए इन महिलाओं ने मुर्गे खरीदने में खर्च किए और बाकी बचे 7,000 रुपए से 7 क्विंटल दाना खरीदा गया।
ये दाना 6 महीनों के लिए पर्याप्त था। सरकार के अनुदान की वजह से मुर्गियां और दाना दोनों ही सस्ते दरों पर उपलब्ध हो गए। बचत घर बनाए, उससे हमने कुकुट पालन लिया है, घरगुती कुकुट पालन है। अभी हमारे वहाँ पे 250 मुर्गी है और सभी महिलाएं हैं। उनकी परिस्थिति पहले बहुत खराब थी, लेकिन अब उन्होंने जब समूह बनाए और वो समूह में हर बार उन्हें मैं जानकारी देती रही, तो उसके हिसाब से अभी आज वो मतलब अपने खुद के पैर पे आज खड़ी है। काफी छोटे पैमाने पर इन महिलाओं ने मुर्गी पालन का काम शुरू किया। शुरुआत के 3 महीनों तक इन मुर्गियों से महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिला। 3 महीने के बाद जब मुर्गियों ने अंडे देना शुरू किया तो महिलाओं की रोजाना आमदनी होने लगी। 200 से 250 अंडे ये महिलाएं रोजाना बेचने लगी। लेकिन इसमें परेशानी ये आई कि मुर्गियों का बाड़ा एक जगह पर होने की वजह से मुर्गियों का पालन पोषण समूह की गिनी चुनी महिलाएं करती, लेकिन मुनाफा बराबर बांटा जाता। आखिरकार सभी महिलाओं में ये सहमति बनी कि क्यों ना हर महिला को 50-50 मुर्गी और 2-2 मुर्गे बांट दिए जाएं, ताकि सब महिलाएं बराबर मेहनत करें और मेहनत के हिसाब से मुनाफा कमाएं। 50 मुर्गियों से हर महिला के हालात सुधरने लगे। सर्दियों के दिनों में बाजार में मांग ज्यादा होने की वजह से ये अंडे बेचती और गर्मियों में अंडों से चूजे निकालकर अपनी मुर्गियों की संख्या बढ़ाती। देसी मुर्गी का एक अंडा थोक के दाम में 8 रुपए प्रति दर से बिक जाता है, जबकि 3 महीने का एक देसी मुर्गा 400 से 500 रुपए तक बिकता है। औसतन 30 अंडे रोजाना बेचकर ये महिलाएं 1 महीने में 7,200 रुपए कमा लेती हैं। लेकिन अंडे का सीजन हमेशा नहीं रहता। साल में एक मुर्गी 3 बार अंडे देती है और एक बार में 30 से 35 दिन तक रोजाना एक अंडा देती है। सर्दियों के मौसम में अंडों से अच्छी खासी आमदनी इन महिलाओं को हो जाती है, जबकि गर्मियों में मुर्गे बेचकर ये पैसा कमाती हैं। आज मुर्गियों के कारोबार से समूह की हर महिला अच्छी आमदनी ले रही है। और अभी हम हर महीने उसके 100-100 रुपए जमा करते हैं बचत करके, और फिर उससे नया व्यवसाय शुरू करते हैं जो अपने गांव में जो चल सकते हैं, जैसे कुकुट पालन है, शेड़ी पालन है, तो उस तरह का हम बचत करके महेश बकरी और कुकुट पालन की अभी शुरू कर, वो मतलब उनका काम शुरू है। और अभी उनसे मतलब उन मजदूरी में मजदूरी को नहीं जाना पड़ता बाहर बच्चों को लेकर, अभी वो घर बैठे पैसे कमा सकती है। समूह में जब पैसा आने लगा और महिलाओं की स्थिति मजबूत होने लगी तो इन्हें लगा कि क्यों ना इस काम को और बढ़ाया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे और ज्यादा मुनाफा हो सके। लिहाजा हर महिला ने अपनी आमदनी से 3,000-3,000 रुपए जमा कर 10 बकरियां और 1 बकरा खरीदा। इस काम से इन महिलाओं को और भी ज्यादा फायदा हुआ। हर 6 महीने में 1 बकरी कम से कम 2 बच्चे देती है और सालाना 4 से 5 इनमें नर बकरों को बड़ा करके बेच दिया जाता है और बकरियों से पैदावार बढ़ाई जाती है। 6 महीने का 1 बकरा 5 से 6 हजार रुपए तक बिक जाता है और बकरियों की संख्या भी लगभग 2 गुने तक पहुंच जाती है। यही नहीं, 1 पहर का दूध बच्चों को पिलाने के बाद भी शाम के पहर का दूध बाजार में बेच दिया जाता है। डेंगू और मलेरिया के मौसम में तो बकरी के दूध की मांग इस कदर बढ़ जाती है कि लोग मुंह मांगे दामों में भी यहां से दूध खरीद कर ले जाते हैं। मुर्गी और बकरी पालन से अब इस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की स्थिति इस कदर बदल चुकी है जो कभी अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाती थी, अब वो अपनी कमाई से दूसरों की मदद करने लगी।
लेकिन ये सब नासरी के प्रयासों से ही संभव हो सका है। आज समूह की सभी महिलाएं न सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत हो पाई हैं, बल्कि समाज में इनका नाम और सम्मान भी बढ़ गया है। गांव के लोग इनके काम की मिसाल देते हैं और ये भी अपनी कामयाबी पर गर्व महसूस करती हैं। ये काम नासरी ने अपने घर से शुरू किया, खुद मेहनत करके किया और एक महीने के बाद में जब रिजल्ट मिला तो सारा गांव देखता रह गया कि ऐसा भी हो सकता है। जो कल तक कूड़ा पड़ा था सुनने के जैसा बन गया। आज ये जब भी एक दूसरे से मिलती हैं, तो इनके चेहरे पर मायूसी नहीं बल्कि मुस्कान होती है। लेकिन जब इन्हें गरीबी का वो गुजरा लम्हा याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। इसी समूह की कोषाध्यक्ष बशीरा बी ने क्या क्या नहीं देखा। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, कच्ची उम्र में शादी हो गई, शादी के कुछ साल के बाद ही पति की भी मौत हो गई। ऐसे में दो दो बेटियों की परवरिश और उनकी शादी की चिंता में बशीरा बी दिन रात डूबी रहती। लेकिन इन्होंने सही वक्त पर समूह से जुड़कर अच्छी कमाई की और इज्जत से अपनी बेटी को रुखसत किया। इस आमदनी से इन्होंने सिलाई मशीन भी खरीद ली है। गांव में इकलौती महिला टेलर होने की वजह से इनकी अच्छी आमदनी हो रही है। लेकिन अपने बीते हुए कल को याद करके कई बार ये फफक पड़ती हैं। इस स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं ने तरल जैविक खाद और कीटनाशक बनाना भी शुरू कर दिया है, ताकि किसानों को रासायनिक कीटनाशक से छुटकारा मिल सके और जैविक खाद के इस्तेमाल से खेतों की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। शक्ति महिला बचत गट की सचिव जानूबाई की दास्तां भी कुछ कम दुख भरी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदला है। घर में बेहद कम जमीन होने की वजह से जानूबाई के पति मजदूरी करते। रुपयों की किल्लत की वजह से जानूबाई अपने बड़े बेटे को पढ़ा नहीं पाई, जिसका मलाल इन्हें आज तक है। सही वक्त पर समूह से जुड़कर जानूबाई ने मुर्गी पालन से अच्छा मुनाफा कमाया। अब इनके चार बेटे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, अपनी कमाई से जानूबाई ने एक भैंस खरीदी है, जिसके दूध से घी बनाकर ये अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजती हैं। जानूबाई की छोटी बहन रानूबाई की शादी उनके देवर से हुई। रानूबाई के पति भी ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते थे। रानूबाई भी उनके साथ ही मजदूरी करती। तपती गर्मी में ये अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर कई किलोमीटर दूर मजदूरी करने जाती। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी इन्हें कभी पेट भर खाना मयसर नहीं हुआ। लेकिन जब से रानूबाई समूह से जुड़ी हैं, इनकी और इनके परिवार की मानो काया पलट हो गई। अब ये मुर्गियों और बकरियों से घर बैठे अच्छी आमदनी ले रही हैं और खुशहाल भी हैं। अब नासरी के बताए रास्ते पर चलकर इस स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं ने तरल जैविक खाद और कीटनाशक बनाना भी शुरू कर दिया है, ताकि किसानों को रासायनिक कीटनाशक से छुटकारा मिल सके और जैविक खाद के इस्तेमाल से खेतों की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। इस तरल जैविक खाद और कीटनाशक को बनाने का तरीका भी बेहद आसान है। अच्छी बात तो ये है कि इसे बनाने में न के बराबर लागत आती है। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी भरा जाता है, फिर इसमें अरंडी के पत्ते, नीम के पत्ते, सीताफल के पत्ते, सोयाबीन के पत्ते, गाजर घास, बबूल के पत्ते,
पपीते के पत्ते और गौ मूत्र मिलाकर एक ड्रम में ढककर रख दिया जाता है। 7 दिन के बाद जब इस ड्रम को खोला जाता है तो इसमें एक गाढ़ा काले रंग का काढ़ा तैयार हो जाता है। स्प्रे मशीन की मदद से किसान 20 लीटर पानी में सिर्फ 1 लीटर तरल जैविक खाद मिलाकर अपनी फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। ये जैविक कीटनाशक फसल के लिए बेहद लाभकारी भी है। अब इस समूह का विचार है कि इस तरल खाद और कीटनाशक को बड़े बड़े किसानों तक पहुंचाया जाए और इससे भी मुनाफा कमाया जाए। जैसे बायोडायनेमिक पद्धति से, सेंद्रिय पद्धति से खेती कैसे की जाए, उसमें अपना खत जो फवारे है उससे कैसी बचत हो सकती है, उसके बारे में जानकारी दी उन्होंने मुझे। बायोडायनेमिक कंपोस्ट और जो फवारने रहते बायोडायनेमिक, मतलब बाजार से लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, खत भी घर ही बनता था और उसके जो फवारा मारने के लिए कीटनाशक रहते हैं तो वो भी घर पे तैयार करना सिखाया उन्होंने। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई और इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। नासरी की पहल का असर ये हुआ कि अब गांव की बाकी महिलाएं भी इसी रास्ते पर चल पड़ी हैं। गांव में महिलाएं समूह बना रही हैं। अपने गांव की दशा सुधारने के बाद नासरी ने दूसरे गांवों का रुख कर लिया है। ये अब दूसरे गांवों में जाकर महिलाओं और किसानों को जागरूक करती है। आज नासरी इलाके के तकरीबन 11 गांवों में प्रशिक्षण देने जाती हैं। स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास बैंक जैसी तमाम संस्थाएं सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी जानकारी और मदद के लिए आप ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पते कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मंत्रालय के टेलीफोन नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। ब्रज की भूमि कहा जाने वाला मथुरा भव्य और दिव्य मंदिरों को समेटे हुए इस आध्यात्मिक शहर ने उन महिलाओं की जिंदगी में भी रोशनी भर दी है जो कभी गरीबी और लाचारी झेल रही थी।